हेलो गाइस, अगर आप फिनो पेमेंट बैंक का CSP चलाते हैं तो आपको इस बारे में ज़रूर पता होना चाहिए और आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए। यानी आप फिनो पेमेंट बैंक का CSP चलाते हैं और आपको इस बारे में पता नहीं है तो ज़रूर देखें। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। तो आज मैं जिसके बारे में बताने वाला हूँ कि फिनो पेमेंट बैंक उसने एक जो COVID-19 का अभी जो महामारी चल रहा है उसके चलते हुए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया इंश्योरेंस लाया है, जिसमें जिस इंसान का COVID-19 एक्ट यानी पॉजिटिव मिला जाएगा, अगर उनका इस फिनो पेमेंट बैंक का इंश्योरेंस किया हुआ रहेगा तो उनको जो यानी आपका जो क्वारंटाइन्स या आपको इलाज के लिए जितना खर्चा है वो पूरा पूरा रिलायंस और फिनो पेमेंट बैंक का जो टाई अप का इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करेगा। तो क्या है वो डिटेल्स जानने के लिए पूरा वीडियो को देखें। मैं आपको पूरा डिटेल से नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे जो चैनल है टेक्नोलॉजी ज्ञान, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो आपका बेल आइकन है उसको ज़रूर अलाउ कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना इस तरह का वीडियो डालता रहता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो देखिए, फिनो पेमेंट बैंक का जो वेबसाइट है मैं उसमें आ चाहूँगा। देखिए, फिनो पेमेंट बैंक का जो वेबसाइट है उसमें इसमें बताया गया है कि रिलायंस COVID-19 पॉलिसी क्लेम मैनेजमेंट प्रक्रिया, यानी आप कैसे कर सकते हैं उद्देश्य, यानी इसमें बताया गया रिलायंस COVID-19 पॉलिसी के लिए क्लेम मैनेजमेंट प्रक्रिया का समझाना, यानी कैसे आप कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है क्लेम मैनेजमेंट जो रिलायंस COVID-19 पॉलिसी के लिए फिनो ब्रांच यूज़र, यानी आप अगर फिनो ब्रांच यानी CSP चलाते हैं तो आपके लिए ब्रांच यूज़र और मर्चेंट पॉलिसी की अवधि को दौरान कभी भी अपने ग्राहक के लिए रिलायंस COVID-19 पॉलिसी का क्लेम कर सकता है। यानी आप किसी का अगर रिलायंस का कोई इंश्योरेंस है तो आप इसमें इजीली क्लेम करवा सकते हैं। उसके बाद बताया COVID-19 के संक्रमण के निदान से ग्राहक को 14 दिन में कि 14 दिन के भीतर क्लेम करवा देना होगा। यानी आप अगर आपका रिलायंस का कोई भी क्लेम यानी इंश्योरेंस है तो आप उसको अगर उस इंसान को COVID-19 संक्रमण हुआ है तो उसको आप इजीली 14 दिन के अंदर उसका लाभ उठा दे सकते हैं। यानी आप इसमें बताया गया ग्राहक का पॉलिसी क्लेम के बारे में सूचित करना, ये आपको पहले सूचित करना होगा कि इसके बारे में सूचित है, यानी आपको जो कस्टमर आया आपका CSP में या आपका शॉप में आपको उसको बताना है। उसके बाद दस्तावेज जमा करने के लिए उसको बोलना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इन पूरे कॉलम से के लिए है फॉलोअप करना है, यानी आपको टोटल जिस सिस्टम से उसको फॉलोअप करना है। करने के बाद आपको जो क्लेम है वो प्रोसेसिंग करना होगा। तो प्रोसेसिंग करने के बाद आप उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए सिस्टम को नीचे जो दिखा है जो ग्राहक पॉलिसी का जो सिस्टम है वो कैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए, ग्राहक पॉलिसी का क्लेम प्रस्तुत करने के लिए यानी आपका जो यूज़र यानी ब्रांच यूज़र होना ज़रूरत है, यानी COVID-19 के संक्रमण के लिए निदान में 14 दिन के भीतर आप उसको लाभ उठा सकते हैं। तो दस्तावेज में आपको पूरा डिटेल्स जो है उसको आपको देखना है, ग्राफ बारीकी से देखना है और डिटेल्स से आपको फिलअप करना है। और आपको इंश्योरेंस जो ऑपरेशन टीम्स है बीमा कंपनी के साथ आपका फॉलोअप करके रहना होगा, यानी आप कंपनी का जो है सिस्टम उसको आपको फॉलोअप करके रहना होगा, इससे सब कर पाएंगे। तो आपको मैं डिटेल्स दिखा रहा हूँ उसके बारे में। देखिए, COVID-19 का जो सकारात्मक निदान पर बीमा राशि का 100% आपको दे दिया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या जरूरत है, विधिवत हस्ताक्षर कलम फॉर्म, यानी को हाथ में फिर अपना कॉलम को फिलअप करना है, यानी आपको फॉर्म को COVID-19 पुष्टिकरण रिपोर्ट चाहिए, यानी आपको आपको पास आपको COVID-19 हुआ है यानी आपको कोरोना पॉजिटिव मिला है तो आपको उसका पुष्टि का जो रिपोर्ट है वो देखना होगा। यानी आप अगर मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु के मामले में कानूनी अत्ताधिकारी यानी जो कानूनी का सिस्टम है वो आपको फॉलोअप करना होगा। उसके बाद किसी भी यात्रा के इतिहास के मामले में आपको पासपोर्ट या
वीज़ा कॉपी प्रदान करना होगी। आप बाहर से गए हैं तो उसका आपको पासपोर्ट या वीज़ा का जो कॉपी है वो आपको देना होगा। तो इसके बाद में आपको क्या होगा, बीमा राशि के 100% के लिए आप कॉलम करने क्लेम कर सकते हैं, यानी लाभ भी कर सकते हैं, और COVID-19 के लिए निदान पर आप भुगतान इजीली कर लेंगे। तो नीचे आपका जो सिस्टम से अभी जो दूसरा बात होता है, सबसे पहले अभी हम लोगों का क्या हुआ कि काम बंद है, हम काम कर नहीं पा रहे, तो इसके लिए मैंने के लिए जो नौकरी जो जो आदमी नौकरी को नौकरी करता है ना, तो उसके लिए देखिए इसमें आपको बताया गया है, मैंने के लिए नौकरी के नुकसान के लिए बीमा राशि का 50% जो है वो आपका कंपनी करेगा। यानी आप पहले आपका जो इंश्योरेंस आप कर लिए, करने के बाद आप किसी भी कंपनी या आपका गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसके आपको सैलरी काम बंद है, आपको सैलरी नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट क्या करेगा, 50% जो है जो आपका रिलायंस कंपनी और फिनो कंपनी वो आपको इजीली पे कर देगा। यानी आपको 50% आपको देना होगा और आप 50% आपको जो कंपनी देगा। तो इसके बाद बताया कि विधिवत आपका हस्ताक्षर क्लेम फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, रोजगार संपत्ति पत्र को दिखाना होगा, और CST चेक यानी आपको CST अकाउंट का चेक देना होगा। उसके बाद आपको 1 महीने के लिए नौकरी का नुकसान के लिए बीमा राशि का 50% आपको कंपनी देगा, और COVID-19 के निदान या क्वारंटाइन के कारण रोजगार का नुकसान के लिए आपको वो कंपनी भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंपनी जो है आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड कर, यानी आपको कंपनी आपको दे देगा। तो आपको जो अभी जो CSP है, यानी आप जो जो CSP है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ जो जो CSP है वो लोग जरूर इसका अप्लाई कर ले, क्योंकि मैं भी हूँ एक फिनो मर्चेंट का CSP के यूजर्स, तो मैं भी करने वाला हूँ सुबह। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको कर ले और जरूर 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 से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का लाभ उठा दे। तो वीडियो का अगर अच्छा लगता है तो छोटा सा वीडियो प्लीज़ 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 एक लाइक करना, और प्लीज़ वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स करना, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।